तो आप ना क्या होता है, जब लाइफ में ड्रामा रहता है ना, उठा पटक रहती है, तो लाइफ ना इंटरेस्टिंग रहती है, मजा आता है. व्हाट नेक्स्ट, क्या बम फूटेगा नेक्स्ट. एज एन एक्टर नवाज, आप डू यू व्हाट इज योर प्रायोरिटी, लाइक हाउ डू यू पिक योर रोल्स? बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है जब आप, क्योंकि इट्स नॉट लाइक के ओनली कि भाई अगर मैं सपोज पैसों के लिए भी कर रहा हूँ तो उसमें ये थोड़ा नहीं कि मैं कुछ भी कर लूंगा. ऑफ कोर्स कैरेक्टर मेरा स्ट्रांग होना चाहिए, है ना, तभी करता हूँ, ऐसे नहीं है. तो डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है. हालांकि मेरा तो मन करता है मैं जैसे रोतों का राज है उस तरह की सिंपल और सिंपल फिल्में करूँ, लेकिन जिसमें कैरेक्टर बहुत वो हो, वियर्ड हो, एब्सर्ड से हो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो, कुछ हैबिट्स हो उसकी, इस तरह के कैरेक्टर मेरा कभी मन करता है ज्यादा करने का. नॉट सपाट कैरेक्टर, जैसे अक्सर हीरो हीरोज के जो कैरेक्टर होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, मुझे भी पसंद आते हैं, बट मेरा पता नहीं क्यों इंटरेस्ट नहीं होता कभी कभी उस तरह के कैरेक्टर में. चाहता हूँ कि बहुत ही इंसानियत के आसपास हो, जिनमें बहुत सारी गलतियां भी हो, इंसान के मतलब ह्यूमन बींग जैसे कैरेक्टर हो, जो हम लोग देखते हैं जैसे हम हैं. हमारे अंदर बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, बहुत अच्छाइयां भी होती हैं, ऐसी बात नहीं. तो उस तरह के कैरेक्टर मुझे ज्यादा भाते हैं. And recently, you showed us an inside view of your palatial house that you built, and it looks beautiful, the White Mansion. So, filmें भी आप कर ही रहे हैं, like you said, roles also you do. You're getting the kind of roles you wanted to do. Your personal life is also pretty smooth now. So, do you think the young 20-year-old Nawaz, जो आपके aspirations रहे होंगे, do you think the 20-year-old Nawaz would be very happy and very proud of this Nawaz right now? मैं ऑफ कोर्स मैं हमेशा कभी भी कोई वो दुखी नहीं रहा हूँ, स्ट्रगल के टाइम पे भी दुखी नहीं था, और तब भी जो छोटे छोटे रोल मिलते थे उसमें भी खुश थे हम लोग, ऐसा था, ऐसा नहीं था. हाँ, कभी कभी सर्वाइवल की प्रॉब्लम होती, उसकी वजह से दुखी नहीं होते थे, क्योंकि हमें मालूम था कि सर्वाइव करते हुए, स्ट्रगल करते हुए सर्वाइवल करना जरूरी है. कम मिला या ज्यादा मिला उसमें कभी वो नहीं हुआ कि कम मिला तो दुखी हो गए, ज्यादा मिला बहुत ज्यादा खुश हो गए. मैं तो थोड़ा सा हमेशा मेरी लाइफ में बहुत ही वो रहा है, बैलेंस रहा है, और या ज्यादा बहुत दुख आ गया तो मैं रोने बैठ गया, या बहुत खुशी हुई तो उछल गया, मेरा ऐसा हमेशा नहीं रहा. मैं पहले भी नॉर्मल बिल्कुल अच्छे से था और आज भी अच्छे से हूँ. ऑफकोर्स उठा पटक लाइफ में हर एक आदमी की लाइफ में होती है, आपकी लाइफ में भी है, मेरी लाइफ में भी है, सबकी लाइफ में है, और वही तो लाइफ है. वरना हर वक्त खुश रहोगे तो वो भी बोरिंग हो जाएगा. Right. And Nawaz, when you're not acting, I mean, of course, we know that how much you love your films and being on camera, but when you're not acting, what is your daily schedule like? How do you like to unwind? आई थिंक मेरी जिस जब एक्टिंग नहीं होती तब मैं ज्यादा बिजी हो जाता हूँ, अच्छा. क्योंकि उस दौरान बहुत सारे नरेशन स्टोरीज आके सुननी पड़ती हैं, ये वो सब हंगामा मचा रहता है घर पे, तो वो ज्यादा मुश्किल टाइम होता है. एक्टिंग शूटिंग के टाइम में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है आपको जब आउटडोर शूटिंग होती है. अब जैसे हम रोतों का राज शूटिंग कर रहे थे तो बहुत टाइम ऐसा होता था जहाँ पे दूसरे लोगों की, दूसरे एक्टर्स की शूटिंग हो रही थी, उस वक्त में मैं फ्री रहता था तो मैं नेचर के करीब चला जाता था, तो बड़ा मजा आता था. तो वो खाली टाइम कभी भी आपको जब शूटिंग नहीं होती ना वो तब मिलता नहीं है. तो मैं तो चाहता हूँ मैं रोज शूटिंग करूँ, ताकि मैं उसमें जो टाइम मिलता है उसमें मैं एंजॉय कर सकूँ लाइफ को. हालांकि मैं शूटिंग करते हुए भी एंजॉय करता हूँ, ऐसा नहीं कि नो, मैंने बट व्हाट इज योर आइडिया ऑफ, जैसे आपने अभी कहा ना कि वो मुझे खाली टाइम जब मिले तो मैं इंजॉय करूं अपार्ट फ्रॉम शूटिंग, तो वो इंजॉयमेंट का आपका फंडा क्या है? हाउ डू यू इंजॉय? यार मेरा बहुत ही, आपको लगेगा बहुत बोरिंग इंसान है ये, लेकिन मेरा एंजॉयमेंट सिर्फ यही होता है, मैं खाली किसी भी जगह पे जहाँ कोई ना दिखे मुझे वहां जाके बैठ जाऊं और बैठा रहूं, कुछ ना करूं, और जो हवा की आवाज होती है ना वो सुनता रहूं, तो चिड़ियों की आवाज, कोयल की आवाज, ये वो, है ना, तो ये सब जो हम शहरों में मिस करते हैं ना वो चीजें सुनता रहूं, तो मुझे बड़ा अच्छा. अगर आप मुझे कहीं डेजर्ट में बैठा देंगी ना और बोलेंगे नवाज यहाँ 1 साल तक रहना, तेरे को खाना पीना हम छोटा हल्का फुल्का खाना पीना देते रहेंगे, मैं वहां भी अपनी लाइफ गुजार लूंगा. मैं इस तरह का आदमी हूँ, और मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं हूँ ऐसा. क्योंकि अगर मैं एक्टिंग ना करता ना तो शायद मैं मॉन्क वॉन्क होता कहीं, और मैंने ट्राई भी किया था धर्मशाला में, मॉन्क बनने का ट्राई किया था. 15 डेज तक मैंने ट्राई किया था दलाई लामा के वहां पे आश्रम में जाके. तो मैं बहुत ही कम चीजों में खुश रहने वाला इंसान हूँ, तो कहीं भी आप मुझे बैठा दीजिए मैं बैठ जाऊंगा.
I had a lovely time chatting with you, Nawaz. Thank you so much for your time. very much. Thank you. Thank you.